ये तस्वीर देखिए। तस्वीरों को देखकर आप सोच रहे होंगे कि ये कोई फोटोशूट तो नहीं, किसी एड की तस्वीर तो नहीं। जी नहीं, ना ही ये कोई फोटोशूट है और ना ही ये कोई एड की तस्वीर है। इसमें किसी प्रकार की एडिटिंग भी नहीं की गई और ना ही ये किसी फिल्म का पोस्टर है। तो आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये सब है क्या। वो सब हम आपको बताएंगे, लेकिन एक बार फिर से आप इन तस्वीरों को देखिए। इन तस्वीरों को देखकर आपका माथा भी ठनक गया होगा। आप परेशान हो रहे होंगे कि आखिर ये है क्या। आपने अपना माथा पकड़ लिया। बार बार ये सोचने पर मजबूर भी हो रहे होंगे कि इन तस्वीरों में जो दिख रहा है क्या वो सच है। अगर हाँ सच है तो कैसे। लड़के का फूला हुआ पेट बार बार देखकर आपका सर भी चकरा रहा होगा कि एक लड़का कैसे प्रेग्नेंट हो सकता है। आखिर ये सब हुआ तो हुआ कैसे, ये सब आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले आप ये जान लीजिए कि ये मामला आखिर कहां का है। तो आपको बता दें कि आपका माथा ठनका देने वाली ये तस्वीर केरल से सामने आई है। जी हाँ, केरल में ये फूले पेट वाला लड़का अब मां बनने वाला है। लड़के का नाम जहाज है। अब एक बार फिर से आपका दिमाग घूम रहा होगा कि जब लड़का मां बन गया तो पापा कहाँ है, यानी कि पापा मम्मी है और मम्मी पापा। आप फिर आपको चक्कर आ रहा होगा। हमें भी आ गया था जब हमने भी इन तस्वीरों को देखा था, लेकिन क्या कर सकते हैं, हकीकत तो यही है। जिया जहाज बन गई और जहाज जिया। कैसे, आगे देखिए। जिया पवाल एक डांसर है, वो लड़का थी और लड़की ट्रांसजेंडर बनी। जहाज लड़की थे और वे लड़का ट्रांसजेंडर बने। इस मामले को लेकर उन्होंने एक पोस्ट किया। हम मां बनने के मेरे सपने और पिता बनने के मेरे पार्टनर के सपने को साकार करने वाले हैं। 8 महीने का भ्रूण अब जहाज के पेट में है। मैं जन्म से या शरीर से एक महिला नहीं थी, लेकिन मेरे अंदर एक सपना था कि मुझे कोई माँ कहे। हमें एक साथ आए 3 साल हो चुके हैं। मेरे माँ बनने के सपने की तरह जहाज का पिता बनने का सपना है और आज 8 महीने की जिंदगी उसकी रजामंदी से उसके पेट में है। जब हमने साथ रहना शुरू किया तो हमने सोचा कि हमारा जीवन अन्य ट्रांसजेंडर से अलग होना चाहिए। ज्यादातर ट्रांसजेंडर कपल का समाज और उनका परिवार बहिष्कार कर देता है। हम एक बच्चा चाहते थे ताकि इस दुनिया में हमारे दिन खत्म होने के बाद भी कोई हमारा अपना हो। जब हमने बच्चे का फैसला लिया तब जहाज की ब्रेस्ट रिमूवल सर्जरी की प्रक्रिया चल रही थी, जिसे गर्भावस्था के लिए रोक दिया गया। अब सवाल ये भी उठ रहा होगा आपके मन में कि ये प्रेग्नेंट हुआ तो हुआ कैसे। इसका इंतजार तो हमें भी है, क्योंकि डॉक्टर्स ने इसका खुलासा अभी करने से साफ मना कर दिया है। जब मार्च में जहाज मम्मी बन जाएंगे तब शायद इस बात का खुलासा हो, लेकिन अभी जो दिलचस्प सवाल ये है कि जब बच्चा होगा तो दूध कैसे पिएगा। तो आपको इसका भी जवाब दे ही देते हैं। मिल्क बैंक से दोनों अपने बच्चों के लिए दूध लेंगे। फिलहाल अब इन माता पिता पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।